स्ट्रीट बस न्यूज रियल टाइम। यहाँ पूरे जिले में कुल मिलाकर के 42 केंद्र भी चलाए जा रहे हैं और उसमें लगभग 1600 लोग आवासित हैं और सभी जगहों पर रहने खाने की सुविधा दी गई है। और जो क्वारंटीन सेंटर बनाए गए हैं उसमें लोग आकर के रह रहे हैं। अभी यहाँ पर बाढ़ में निरीक्षण किया गया है और यहाँ पर लगभग 400 लोग आवासित हैं और सभी लोगों के लिए यहाँ पर मेडिकल जांच की सुविधा दी गई है, साथ में यहाँ पर रहने खाने की सुविधा दी गई है। यहाँ प्रत्येक व्यक्ति जो यहाँ पर आते हैं उनका रजिस्ट्रेशन करके उनको एक बेसिक डिग्निटी किट दिया जाता है, जिसमें बाल्टी, मग और जो उनके जरूरत की सामान्य कपड़े हैं वो सब दिए जा रहे हैं ताकि उनको रहने में दिक्कत नहीं हो। और यहाँ पर काफ़ी अच्छी व्यवस्था की गई है। यहाँ निर्देश दिया गया है कि साफ सफाई को सर्वोपरि प्रायोरिटी में दें और खाना भी स्वच्छ दें, ये निर्देश दिया गया। खाना कुछ मापदंड है क्या खाना देना, कैसे नहीं, इसमें सभी जगह पर अभी जो हम लोग के पास रिपोर्ट है वरीय पदाधिकारी भी निरीक्षण कर रहे हैं और मैंने भी देखा है खाने की पर्याप्त सुविधा दी गई है और कई लोगों से बातचीत भी हुई है, वो जो व्यवस्था की गई उससे काफ़ी संतुष्ट हैं। लेकिन इस चीज़ को आगे भी लगातार लोग जारी रखें, यह विशेष रूप से निर्देश दिया गया है। मेडिकल टीम को निर्देश दिया गया है कि प्रतिदिन उनके स्वास्थ्य की जाँच करें और किसी भी तरह का लक्षण पाए जाने पर त्वरित कार्रवाई करें और उनको आइसोलेट करके आगे जो प्रोटोकॉल है उसके अनुसार कार्रवाई करें। 17 के बाद फिर और लॉकडाउन बढ़ने की संभावना देखा जा रहा है? अभी तो हम लोग 17 मई तक जो लॉकडाउन है उसी के अनुसार तैयारी कर रहे हैं। अब जैसा आगे दिशा निर्देश आएगा उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी।